टैलेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी बैटरी डाउन हो रही है या चार्ज नहीं कर रही तो क्या कारण है, आपका इन्वर्टर खराब है या बैटरी खराब है, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे। इसके लिए एक हाइड्रोमीटर आता है चार्ज करने के लिए या उसको चेक करने के लिए, वो आप खरीद कर घर में ही रख लें, क्योंकि इन्वर्टर का काम है आपको जरूरत पड़ती रहती है, इतना ज्यादा नहीं आता, 100-150 रुपए का हाइड्रोमीटर आ जाएगा, छोटा ही बड़ा भी एक क्वालिटी का आ जाता है, उसको लेके घर में रख लें। उसको इससे आप एक डिसीजन कर लेंगे कि हमारी बैटरी खराब है या इन्वर्टर खराब है, आपको पता चल जाएगा। आपको चेक करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले जो अपनी बैटरी है आपकी, उसके जो ऊपर डॉट लगे हैं जिसमें पानी का लेवल आप चेक करते हैं, उनको खोल करके और हाइड्रोमीटर को दबा करके, उसका जो पंप है उसको दबा करके उसमें डाल देना है और उसको धीरे धीरे छोड़ देना है, पंप को ब्लैडर को छोड़ देना है, और आपने देखना है कि पानी कहाँ तक चढ़ता है, जो तेजाब है कहाँ तक चढ़ता है। अगर उसकी उसकी चढ़ाई 11.5-11.5 तक है, 10:30-11 तक है, तो आप ये देख लीजिए कि आपकी जो बैटरी चार्ज नहीं हो रही, आपकी बैटरी डाउन है, तो आपका जो है इन्वर्टर है उसको चार्ज नहीं कर पा रहा। अगर आपकी बैटरी नई बैटरी है तो आप बैटरी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने देखा है उसकी चार्जिंग फुल है, अगर वो 11.5-12 तक आ जाता है, 11.5 से 12 या 12.5 थोड़ा सा भी ऊपर है तभी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर 13-13 तक पहुंच गया है तो इसके अंदर ओवर तेजाब हो गया है, तो आपने क्या करना है, थोड़ा तेजाब निकाल देना और पानी डाल देना है और इसको फिर चेक करना है। अगर फिर 13 है तो थोड़ा पानी तेजाब और निकाल लेना है, थोड़ा पानी और डाल देना है, और आपने 12.5 तक ही उसकी पैरामीटर जो है रखनी है, ज्यादा नहीं रखनी, 12.5 तक उसकी रख देनी है, उसके बाद फिर चार्ज करना है और आपका बिल्कुल परफेक्ट चार्जिंग होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए हाइड्रोमीटर का ये प्रयोग होता है करने का हमने आपको बता दिया है। ऐसे और वीडियोस के लिए और इन्वर्टर्स की जानकारी के लिए, बैटरी के बारे में पता करने के लिए, आप हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।